गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम बात करते हैं बड़ी संख्या पहचाने। बड़ी संख्या कैसे पहचानेंगे? जब हमारे सामने संख्याएं लिखी होती हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, देखिए कोई सीरीज आपकी संख्या की लिखी है, जैसे आपके पास में लिखा है 25, 17, 19, 91 या फिर इससे बड़ी संख्या को लेते हैं हम 142, 256 और 18 और 99, इस तरीके से हमने संख्या ले ली है। आप कुछ बच्चे तो इनमें पहचान लेंगे, जिनको आता है वो पहचान लें, जिनको नहीं आता वो ध्यानपूर्वक देखें। तो हम कैसे पहचानेंगे कि बड़ी संख्या इनमें कौन सी है? सबसे पहले हम देखते हैं अंक, कितने अंक हैं किसी संख्या में, किसी संख्या में कितने अंक हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ कितने अंक हैं इसमें, दो। यहाँ पे कितने हैं, दो। यहाँ पे कितने हैं, तीन। यहाँ पे कितने हैं, तीन। यहाँ पे, दो। यहाँ पर, दो। यहाँ पे, दो। और इसमें यहाँ पे कितना, एक। यहाँ पे एक अंक हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके तीन अंक कौन कौन संख्या में है, एक तो इसमें है तीन अंक और एक इसमें है। अब यहाँ पे हम कि बड़ी संख्या कौन सी है, सीरीज में से बड़ी संख्या कौन सी है, जो संख्या हमने चुनी उनमें से हम देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा करके। ठीक है, मतलब तीसरा अंक काउंट करेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, ये इकाई है, ये हमारी दाई और ये सैकड़ा, ये हमारी क्या है इकाई, दाई और सैकड़ा। अब सैकड़े पे अंक देखेंगे किसका बड़ा है, सैकड़े पर अंक किस संख्या का बड़ा है, ये ज्यादा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है, एक। यहाँ पर कितना है, दो। दो। तो संख्या अब हम पहचान गए हैं कि बड़ा अंक कहाँ पर है, दो वाले में। तो ये वाली संख्या हमारी कैसी होगी, बड़ी होगी, यानी कि 256। इसमें समझ में आया आपको? यस सर। आगे वाली सीरीज देखते हैं, नंबर दो पर 200, 100 हमने लिखा, 50, 10, 30, 4000 और 500, ये हमने कुछ संख्याएं लिख दी, ये कुछ संख्या हमने लिख दी है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, अब बड़ी संख्या लिखने के लिए अंकों से भी हम एकदम जांच लेते हैं कि किस संख्या में कितने अंक हैं। ज़्यादा अंक होंगे तो समझ लीजिए वही संख्या हमारी बड़ी होगी, अगर एक जैसी कोई संख्या मिल जाती है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे क्या है, तीन अंक इसमें है और तीन अंक इसमें है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अंक मिलाते हैं सैकड़े का, अंक मिलाते हैं सैकड़े का। लेकिन अब इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पे कितने अंक हैं, यहाँ पे कितने अंक हैं, यहाँ पे दो और यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे कितने हैं, चार और यहाँ पर तीन अंक हैं। अब वेरी सिंपल कि यहाँ यहाँ कितने अंक हो गए, चार। यहाँ पे कितने अंक हो गए, चार। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे चार अंकों की संख्या होगी वो तीन अंकों की अपेक्षा बड़ी होगी। तो हम सीधे सीधे समझ गए हैं कि ये संख्या हमारी बड़ी होगी। आप लोग समझ गए? यस सर। एक सीरीज ये आपकी हो गई है कि अगर इस तरीके से कोई संख्याएं आती हैं जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा बड़ी होती है, अंकों की संख्या ज्यादा बड़ी होगी तो वो संख्या आपकी बड़ी होगी। आगे देखते हैं, नंबर थ्री, आपने लिखा 29, 35, 309, 903, 512
चार, इक्यासी और 80। इस तरीके से हमने कोई संख्याएं लिख दी। अब यहाँ पे देखिए कि हमने 29 लिखा, 35 लिखा, 309 लिखा, 903 लिखा, 512 लिखा, 4 लिखा, 81 लिखा और 80 लिखा। वही हम सीधी जैसे हम ऊपर सीखे थे उसी तरीके से इसी में काउंटिंग करके हम देखेंगे यहाँ पे कितने अंक हैं, दो, यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे कितने हैं, तीन, यहाँ पे कितने हैं, तीन, यहाँ पे, तीन, यहाँ पे, एक, यहाँ पे, दो, यहाँ पर, दो। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं कि तीन अंक वाले कितनी संख्या है, तीन अंक वाले कितनी संख्या है। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा क्या है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे सैकड़ा क्या है हमारा, और यहाँ पे सैकड़ा हमारा कितना है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हुई, तो यही वाली आपकी बड़ी संख्या होगी। अब थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या में ये तो हमारी सिंपल छोटी छोटी संख्या है, जब ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कैसे ज्ञात करें कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अब इनमें से कैसे जानेंगे कि अभी अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो समझेंगे। देखिए सबसे पहला काम बड़ी संख्या है छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम यही जानेंगे कि आप किसके अंक ज़्यादा हैं। सबसे पहला काम आप पे क्या है कि अंक हमारे किसमें ज़्यादा हैं, जिसमें अंक ज़्यादा होंगे वही संख्या हमारी बड़ी होगी। और जब सारी संख्याओं में जब दो संख्या एक जैसी हो जाती हैं तो तब हमारी फिर हम इकाई दहाई पढ़ते हैं कि संख्या कौन सी बड़ी होगी। चलिए देखते हैं इसमें कितने अंक हैं, छः, इसमें कितने हैं, पाँच, इसमें कितने हैं, पाँच, इसमें कितने हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, सात अंक हैं, कितने अंक हैं, सात अंक ही कोई है इसमें, ये कितने हैं, छः, इस संख्या में कितने अंक हैं, छः, ठीक है ना, या तो सात अंक ज्यादा है या फिर छः अंक ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अंक किसमें है, आपके सात अंक, आपके कितने, सात अंक। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो जिसमें अंक ज्यादा होते हैं, मैंने अभी थोड़े पहले ही बताया था आपको कि वही संख्या हमारी बड़ी हो। वेरी सिंपल कि आप इसको सर्किल कर देंगे कि ये संख्या हमारी बड़ी हो। आप लोग इतना समझ गए, यस सर। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिएगा और घर पे भी रिपीट करेंगे आपने और आपको होमवर्क में भी काम मिलेगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।